कर रही एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 छात्राओं ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया आरोप। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एक बार फिर चर्चा का विषय बना, जहां इस बार कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर वह इंटर्नशिप कर रही एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 छात्राओं ने प्रताड़ना तथा धमकाने का आरोप लगाया और डीन को शिकायत में बताया कि वह बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की फाइनल परीक्षा 2019 में पास की थी। मई 2019 में इंटर्नशिप शुरू हुआ। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोथेरेपी द्वारा सभी 13 छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वह लगातार पहनावे और हमारी शारीरिक संरचना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। इसकी वजह से सभी छात्राएं मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं। छात्राओं की तरफ से पूर्व में कॉलेज के डीन फिजियोथेरेपी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर फिजियोथेरेपी आदि से शिकायत की गई तो कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दो, बेकार की बातों में समय व्यर्थ मत करो, ये कहकर छात्राओं को चुप कराने की कोशिश की गई। पर छात्राओं ने बहादुरी का परिचय देते हुए एसपी से शिकायत की। छात्राओं की शिकायत पर एसपी अमित सिंह ने जांच का आश्वासन दिया। छात्राएं असिस्टेंट प्रोफेसर की मौजूदगी से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वे धमकी देते हैं कि अड़ंगा लगा दिया तो इंटर्नशिप पूरा नहीं कर पाओगे। बहरहाल पूरे मामले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर कसार ने एक 4-सदस्यीय समिति गठित कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। डॉक्टर कसार का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी, अगर छात्राओं के साथ ऐसा हुआ है तो ये गलत है और दोषियों पर सख्ती से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले जरूर सोचे। ये आपका काम है, आप अपना काम कर रहे हैं। वाइफ मछली फ्राई कर गई थी अंदर, उसे तो अंदर बड़ी शानदार थी। जांच के लिए नहीं हुई क्योंकि वकील तुम लोग घेर लोगे। वो तो बहुत पुराना हुआ क्या, कि एबीवीपी पहुंची मेडिकल विरोध प्रदर्शन करते हैं और जो राजू खान जिसके ऊपर आरोप लगा लड़की थी वो सामने आकर उसने बाइट दे ली। मेरे कार्यालय में एक महिला वकील आई हुई थी और उन्होंने एक शिकायत अपने क्लाइंट की तरफ से दी थी। ये सारे जो क्लाइंट थी वो मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं, इंटर्नशिप कर रही हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। उसमें जो आरोप लगाया गया था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाया गया था, उनका ये आरोप था कि वो उनके पहनावे को लेकर, उनकी शारीरिक बनावट को लेकर टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। निश्चित तौर पे क्योंकि अभी हमारे पास आवेदिका नहीं है, उनका नाम भी हमारे पास नहीं है, बच्चियां हैं कॉलेज में पढ़ रही हैं। मैंने वकील साहिबा को ये कहा कि वो डीन को जाकर शिकायत बताएं। मैंने अपने सीएसपी गड़ा को, जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको जांच के लिए दिया है। हम प्रयास करेंगे कि इसमें जांच में जो फैक्ट है वो सामने आए और फैक्ट के अनुरूप हम इस शिकायत में कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल हमारी कोई बात नहीं हुई क्योंकि वकील साहिबा खुद आई थी और कोई आवेदिका नहीं आई थी। उनका ये भी कहना था कि जो उनके क्लाइंट हैं वो सामने नहीं आना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इसको हमें दृष्टिगत रखना है और जो चीजें हैं वो हमें जांच के क्रम में तथ्य को निकालना है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। किस तरह
लगभग अज्ञात 11-13 बच्चियों का नाम उसमें बताया गया, संख्या बताई गई थी, नाम नहीं बताया गया था। और शिकायत का जो प्रारूप था वो शारीरिक भाषा और उनके ड्रेस को लेकर टिप्पणी और जो मर्यादित नहीं है, इस संदर्भ में शिकायत की गई थी। तो ये सभी जांच का विषय है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। प्रोफेसर का नाम मिस्टर दुबे है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, मिस्टर दुबे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। जबलपुर से कुणाल सिंह के साथ सुनील सेन की खास रिपोर्ट।